खैबर से कराची तक चारों सूबों में 50 से ज़ायद शहरों में अवामी सतह पर अमन इतिहाद की जानिब से अवामी मुजाहरों का इनेकाद किया गया है। इस दिन के मनाने का मकसद जमहूरियत, अमन व इंसाफ और सबके लिए बावकार जिंदगी के अजम को एक बार फिर दोहराना है। इस सिलसिले में हैदराबाद प्रेस क्लब में अमन इतिहाद की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। प्ले कार्ड के बाद हाल में मौजूद एक बैनर पर शुरका ने अमन सिग्नेचर्स किए। ये जो तहरीक है ये पाकिस्तान में एक बहुत गैर मामूली पेशकदमी है और जिसमें पाकिस्तान के सारे रोशन ख्याल और तरक्की पसंद और जमहूर पसंद दोस्त साथी शामिल हैं, जिसमें जबान, रंग, कौमियत और मजहब के फ़र्क के से बावरा तमाम साथी इसमें इकट्ठे हैं। प्रेस क्लब हैदराबाद में राशिदा दोहा और अली अजहर खान और बहुत से दोस्तों के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो उसमें हमने ये तय किया था कि ये पहली तारीख को पूरे पाकिस्तान में करेंगे। तो एक लिहाज से जिस हॉल में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसी हॉल के अंदर ये तय हुआ था कि ये पाकिस्तान भर में जो आज की जो तकरीबात हैं, रिलीज हैं और प्रोग्राम्स हैं, वो आज के दिन में होंगे। इस प्रोग्राम की खसूसियत ये थी कि इस प्रोग्राम को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में तकारीर को रखा गया। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा भी इंतहाई दिलचस्प था, जिसमें सिंध भर से आए हुए शोरा ने अमन के हवाले से अपने शेर पेश किए। इस प्रोग्राम का इख्तिताम महफिल मौसीकी पर हुआ, जिसके आखिर में शुरका भी झूम उठे। जिस तरह हर पौधे के लिए एक ख़ास ज़मीन चाहिए होती है, उसी तरह इंसान की तरक्की के लिए और इंसान की अजमत के लिए अमन चाहिए होता है। ये जंग हमारी जंग है, ये किसी और की नहीं। अगर हम अपने घर का अगर हम अपने घर के महाफिज नहीं बन सकते तो कोई हमारे घर और हमारी चार दीवारी का एहतराम नहीं करेगा। अमन इतिहाद एक मुस्तकबिल की एक मजबूत अवामी और जमहूरी तहरीक की शक्ल अख्तियार करने के लिए दोस्त उसमें सब काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम सब मिलके बहुत सी पेशकदियाँ करेंगे। दहशतगर्द बहुत थोड़े से हैं और अमन पसंद लोग और मोहब्बत करने वाले लोग और सबके लिए अमन चाहने वाले लोग बहुत से हैं, लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, और हम सब मिलके इस तहरीक को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे।